भाई सलार की शूटिंग को लेकर के अभी एक ऐसा अपडेट आया है जो कि एकदम से माहौल को बदल के रख देता है, एकदम दिमाग हिलाओ है। देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा ये वायरल हो रहा है ना कि डार्लिंग प्रभास की हेल्थ इश्यू हो गया है, हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए वो फॉरेन गए हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए वगैरह वगैरह। अभी ये न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल है उनके नाम पे, लेकिन अभी जो अपडेट आया है ना गाइस, ये अपडेट पूरा का पूरा माहौल चेंज कर देता है, पूरा का पूरा माहौल चेंज कर देता है, जो कि मैं तो खुद ही हिल सा गया ये अपडेट को देख करके। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये अपडेट मुझे मिली कहाँ से। आप लोग बोलते हो कि इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन आप कहाँ कहाँ से ऐसी अपडेट लेके आते हो, तो मैं सोर्स बता देता हूँ आपको। देखो आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली जाओ गूगल पे सलार मूवी लिख दो, सलार को जब नीचे नीचे स्क्रोल करोगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर मिलेगा, पहले पहले मिल जाएगा जी न्यूज़ करके एक फिल्म वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगा, यस कैमियो वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाओगे, वो आर्टिकल को आप पढ़ना, ठीक है, वो आर्टिकल को पढ़ना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताऊँ, एकदम से सारा का सारा चीज़ चेंज हो जाता है। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डार्लिंग प्रभास, मतलब ये सलार मूवी जो है, सलार मूवी का क्लाइमेक्स शूटिंग होने वाला है यूरोप पे, ओके। सलार मूवी का क्लाइमेक्स शूटिंग होने वाला है यूरोप पे, वहाँ पे रॉकी भाई की एंट्री वाला शूटिंग होगा, 7 से 8 मिनट तक की शूटिंग रहेगा, क्लाइमेक्स का शूटिंग रहेगा, 7 से 8 मिनट तक की रॉकी भाई का कैमियो होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 से 8 मिनट का जो कैमियो होगा यूरोप पे, कैमियो करने के बाद अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में यस 19 जो फिल्म है उसका अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है, उसका अनाउंसमेंट होने वाला है। आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने ये अपडेट छोड़ा था, जो कि गांव में करण ने था क्या क्या बोल के एक अपडेट मैं आपको दिया था, एक वीडियो छोड़ा था, आपको याद होगा। तो वो वीडियो में मैं बोला था कि अप्रैल में हमें यस 19 के बारे में कुछ ना कुछ पता चलने वाला है, उसका अनाउंसमेंट होने वाला है। देखिए टाइटिल तो मैंसन नहीं होगा लेकिन कौन से डायरेक्टर के साथ आने वाले हैं, कौन से प्रोडक्शन हाउस के साथ वो जुड़ने वाले हैं यस 19 मूवी को लेकर के, उसके बारे में कुछ पता चलेगा बोल करके मैं एक अपडेट छोड़ा था, जो कि सच है, अप्रैल में हमें पता चल जाएगा वाकई में तो वो होगा बोल करके वो जी न्यूज भी वहां पे मेंशन किया है। तो गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा फुल स्टोरी ये है कि डार्लिंग प्रभास फॉरेन गए हैं, ये सच है, ओके, फॉरेन गए हैं ये सच है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए नहीं बल्कि शूटिंग के लिए गए हैं, जो कि सलार मूवी की क्लाइमेक्स शूटिंग होगा 12 मार्च से, ओके। वहां पे पूरा डायरेक्टली डेट मेंशन किया गया है कि 12 मार्च से सलार की क्लाइमेक्स शूटिंग होने वाली है, जो कि 7 से 8 मिनट का कैमियो रहेगा रॉकी भाई की, ओके। तो क्लाइमेक्स जो है यूरोप पे होने वाली है गाइस, तो पूरा एकदम से माहौल ही चेंज हो जाता है ना, कि यहाँ पे ये बात पता चल जाता है कि डार्लिंग प्रभास की जो हेल्थ इश्यू है शायद वो खारिज है, ऐसा कुछ नहीं है, बस फॉरेन जाने वाली इस बात सच है, लेकिन सलार मूवी का शूटिंग एक्चुअली मेन रीजन है जो कि वो यूरोप गए हैं वगैरह वगैरह, ओके। तो गाइज यहाँ पे गुड न्यूज ये होता है कि जो फिल्में पोस्टपोन होंगी वगैरह वगैरह, ये जो आ रहा था ये सारी चीज को यहाँ पे खारिज किया जाता है कि पोस्टपोन नहीं होने वाली है कोई भी फिल्म। और जहां पे भी आप देखोगे कि डार्लिंग प्रभास की हेल्थ इशू को लेकर के, वहां पे डायरेक्टली ये लिखा जा रहा है, हेडिंग पे भी लिख दे रहे हैं कि प्रभास का हेल्थ इशू हो गया है और फिल्में पोस्टपोन होने वाली है, ये लिखा जा रहा है। अगर फिल्म पोस्टपोन होती तो ये लोग ऑफिशियल तरीके से कुछ नहीं छोड़ देते क्या, क्यों इतना मतलब कॉन्फिडेंशियल रखते हैं? फिल्म तो रिलीज होगा बोल करके एकदम से माहौल गर्म है, तो फिल्म पोस्टपोन होगा इतनी बड़ी बात है तो ये लोग तो ये भी मेंशन कर देते ना हेल्थ इशू को लेकर के। तो हेल्थ इशू के ऊपर उतना भरोसा नहीं हो रहा है गाइस, मैं तो अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, हेल्थ इशू के ऊपर उतना भरोसा नहीं हो रहा है मुझे, ऐसा सच में लग रहा है कि यूरोप सलार की शूटिंग वगैरह वगैरह ये सब कुछ हो रहा है, बस देखते हैं क्या हो रहा है आगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।